पार्टिकल ने यहाँ से एंटर किया, पार्टिकल का चार्ज क्यू है, मास एम है, वेलोसिटी भी है। तो फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इस पर फोर्स लगी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अब क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो इसने रास्ता अपना बदल लिया, रास्ता बदल लिया, यहां पहुंचे। यहां फिर से देखें तो फिर फोर्स वेक्टर फिर से वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, दिस इज फोर्स वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। यहां देखें तो भी फोर्स वेक्टर है किसके परपेंडिकुलर, वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर। और इसी तरह से जब भी आगे जा रहा है, यहां इस पॉइंट पर देखें हम और मुड़ाए, इस पॉइंट पर अगर मैं लूं, ये रहा वेलोसिटी वेक्टर और फोर्स वेक्टर क्या होगा, अब भी फोर्स वेक्टर कहाँ है, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। और क्योंकि ये फोर्स वेक्टर हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इसलिए ये पूरा का पूरा पाथ हो जाएगा आपका सर्कुलर पाथ, क्योंकि फोर्स वेक्टर हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। फोर्स वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, फोर्स वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कौन सी फोर्स काम किया करती है, किसी भी मोशन में वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कौन सी फोर्स काम करती है, ये पीछे भी हमने डिस्कस कर लिए थी बात पूरी। इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन जो एफ वेक्टर है ये ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर है, पीछे भी हमने ड्रॉ किया था, या एक्सीलरेशन वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। हेंस मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज अ सर्कुलर मोशन, इज अ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन ही करेगा, कोई और मोशन नहीं कर सकता ये, क्यों, क्योंकि फोर्स वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर है। और ये जो फोर्स है क्या मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह से काम करने लगती है। जो लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स है, क्योंकि परपेंडिकुलर है हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के, तो इसलिए ये फोर्स ही काम करने लगती है, किसकी तरह, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करने लगती है। आपको पहले भी याद होगा कि किसी भी पार्टिकल के सर्कुलर मोशन के लिए, किसी भी पार्टिकल के, ये पार्टिकल है आपका, कोई भी पार्टिकल है, अगर सर्कुलर मोशन पर इसे चलना है तो इसे एक फोर्स चाहिए टूवर्ड्स द सेंटर, जिसे हम बोलते थे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां अगर आप देखें ध्यान से, हर बार ये जो फोर्स है लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स, देखिए इस पॉइंट की तरफ मैंने लिख लिया ऐसे ओ की तरफ, यहां देखें तो भी ओ की तरफ, यहां देखें तो भी ओ की साइड है, यहां देखें तो भी टूवर्ड्स वो है। तो हर हर पॉइंट पर, हर पोजीशन पर लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स काम कर रही है एक सर्टेन पॉइंट की तरफ, और यही सर्टेन पॉइंट बन जाता है क्या, ये सर्टेन पॉइंट बन जाता है सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, इस पूरे सर्कुलर पाथ का सेंटर बन जाता है। और सर्कुलर पाथ पर चलते हुए पार्टिकल फिर से बाहर निकल कर आ जाएगा। अगर कोई पार्टिकल एंटर किया है बाहर से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंटर किया है, तो फिर क्या होगा, सर्कुलर मोशन लेगा और फिर से वापस बाहर निकल आएगा। तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी काम कर रही है, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, सेंट्री
पिटल फोर्स, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स कितनी है, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, दोनों का मैग्नीट्यूड मुझे लेना पड़ेगा यहाँ, तो क्यू वी बी, इसका मैं केवल मैग्नीट्यूड लूंगा क्योंकि दूसरी साइड वेक्टर नहीं है, क्यू वी बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड बी वेक्टर, जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर ही एंटर करे, कभी किसी और एंगल पर भी एंटर कर सकता है, तो जो भी एंगल है वी वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल वो यहाँ लिखा जाएगा। अब ध्यान से देखिए आप, वी इधर भी है और यहाँ भी वी है, तो एक वी तो कैंसिल हो गया, क्यू बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम वी बाय आर। अब इस फॉर्मूले से आप रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, रेडियस आर इज इक्वल्स टू हो जाएगी एम वी बाय क्यू बी साइन थीटा, एम वी बाय क्यू बी साइन थीटा मीटर, यानी मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही छोटी रेडियस पर घूमेगा पार्टिकल, जितना चार्ज बड़ा होगा उतनी छोटी रेडियस पर, मास ज्यादा होगा तो बड़ी रेडियस पर, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो बड़ी रेडियस पर घूमेगा। ये तो हो गया रेडियस उस सर्किल का। अब टाइम पीरियड, एक पार्टिकल है बाहर से आपने एंटर नहीं कराया मैग्नेटिक फील्ड में, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ला करके इसको वेलोसिटी आपने दे दी, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाकर यहाँ ले आकर आपने इसे वेलोसिटी दे दी, सर्टेन वेलोसिटी पार्टिकल था ये, तो ये पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही क्या करेगा, सर्कुलर पाथ पर मूव करने लगा इसी के अंदर, ये सेंटर, ये आपकी रेडियस हो गई। तो अब हम फाइंड करेंगे टाइम पीरियड, एक सर्किल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा इसे, तो टाइम पीरियड कितना होगा बोलिए, मैं दूसरे फॉर्मूले से फाइंड कर लेता हूँ, अभी तो हमने फाइंड किया रेडियस, फिर दूसरा फॉर्मूला लेता हूँ मैं सेंट्रीपिटल फोर्स का ही, सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फॉर्मूला होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या है यहाँ, ओमेगा कहलाती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा कितना निकल कर आएगा, अगर बाय द वे ओमेगा कैलकुलेट करना, क्यू वी बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एम आर रेडियन पर सेकेंड, ये आपका बन गया ओमेगा। अगर आपको फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी, ओमेगा कहलाती है क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर आपको कैलकुलेट करनी फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्यू वी बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एम आर। तो यहां से फ्रीक्वेंसी कितनी निकल जाए आएगी, फ्रीक्वेंसी फाइंड हो जाएगी आपकी 1/2π स्क्वायर रूट ऑफ क्यू वी बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एम आर हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया कि एक सेकंड में कितने चक्कर लगाए। और जब आप फाइंड करना चाहते हैं टाइम पीरियड, तो यहाँ ओमेगा को रख लीजिए 2π/T या फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल कर दीजिए, टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड निकल कर आता है 1/frequency, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√ यहाँ से जो अपॉन में ये ऊपर चला जाएगा, ये सारा नीचे आ जाएगा, कितना एम आर अपॉन क्यू वी बी साइन थीटा सेकेंड, ये बन गया आपका टाइम पीरियड। ये कौन सा टाइम पीरियड निकल कर आया, एक बार पूरा सर्किल घूमने में जितना टाइम लगा उसे हम बोलेंगे कैपिटल टी। एक बार यहां से चला पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर घूमा और वापस अपनी जगह आ गया, तो ये हो गया आपका टाइम पीरियड 2π√ एम आर अपॉन क्यू वी बी साइन थीटा। तीन चार चीजें निकल गई, ये आगे पूरे लेसन में बार बार काम आएगी, आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी साइन थीटा, या इसका दूसरा फॉर्मूला और लिख सकते हैं। देखो इन फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज और हो जाता है। देखो अभी हमने फाइंड किया
आर इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी साइन थीटा। ठीक है, तो एम वी इज इक्वल्स टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, होता है क्या, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो आर इज इक्वल्स टू बन जाएगा पी अपॉन क्यू बी साइन थीटा। एक ये फॉर्मूला बन गया। अच्छा, एक और फॉर्मूला बन सकता है, क्या फॉर्मूला बन सकता है, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी स्क्वायर अपॉन टू एम। मैंने ऊपर एम से मल्टीप्लाई करा, नीचे एम से मल्टीप्लाई करा, बल्कि चलो खेल कर ही लेते हैं, ये बन गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन टू एम, एम से मल्टीप्लाई एम से डिवाइड कर दिया, और एम वी कितना होता है, एम वी होता है पी, तो ये बन गया आपका पी स्क्वायर अपॉन टू एम। तो काइनेटिक एनर्जी से पी कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी इंटू एम, काइनेटिक एनर्जी को मैंने यहाँ के लिखा है। तो अब इस ऊपर वाले फॉर्मूले में पी की जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ये, तो आर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा आर इज इक्वल्स टू ऊपर पी की जगह रखा स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंटू मास होल डिवाइडेड बाय क्यू बी साइन थीटा। ये आपकी आर का एक और फॉर्मूला बन गया। ये रेडियस का फॉर्मूला, ये वाला रेडियस का फॉर्मूला है वेलोसिटी का, ये रेडियस का फॉर्मूला है मोमेंटम के लिए, ये रेडियस का फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी के लिए। अब इस छोटी सी फिनोमिनन पर, इस छोटे से फिनोमिनन पर हर साल लगभग हर साल एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, एक नंबर में या दो नंबर में। कैसे, कभी तो आपसे कहा जाएगा कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यहां से दो पार्टिकल ने एंटर किया, एक अल्फा पार्टिकल ने और एक यहीं से एंटर किया प्रोटोन ने, एक प्रोटोन और एक अल्फा पार्टिकल ने एंटर किया। अब बताओ इनके जो सर्किल का रेडियस है उसकी रेशियो क्या होगी, रेशियो ऑफ सर्किल, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्किल मतलब आर अल्फा, आर अल्फा इज टू आर प्रोटोन आपको फाइंड करनी है। अब इसमें होता क्या है, इस क्वेश्चन में कभी तो आपसे कहा जाएगा कि दोनों सेम वेलोसिटी से एंटर कर रहे हैं, जब सेम वेलोसिटी से एंटर कर रहे हैं तो आप फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे। कभी आपसे कहा जाएगा सेम मोमेंटम के साथ एंटर कर रहे हैं, जितना मोमेंटम अल्फा पार्टिकल का उतना ही मोमेंटम पार्ट प्रोटोन का, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे रेडियस की रेशियो फाइंड करने के लिए, ये वाला फॉर्मूला। कभी आपसे कहा जाएगा कि दोनों के दोनों काइनेटिक एनर्जी सेम काइनेटिक एनर्जी से एंटर कर रहे हैं, तो फिर अब रेडियस का फॉर्मूला कौन सा होगा, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टू के एम अपॉन क्यू बी साइन थीटा। हर बार ये लगभग हर बार के क्वेश्चन आता है, कभी अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन दे देंगे, कभी न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल दे देंगे, कभी आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दे देंगे, कभी इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल दे देंगे। अब जैसे यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं ले रहा हूं कैसे, सेम मोमेंटम से एंटर करा या सेम काइनेटिक एनर्जी से लेते हैं। अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटोन एंटर इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद सेम काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द ratio of radii of circular path की जो रेडियस है इसको आपको करना है कैलकुलेट। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ध्यान से, आपने फॉर्मूला लिखा R is equals to square root of twice kinetic energy इंटू एम डिवाइडेड बाय क्यू बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था जिसमें रेडियस के साथ आ रही है काइनेटिक एनर्जी, तो सेम काइनेटिक एनर्जी
जब कही गई थी तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ले लिया, सेम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लेकिन ये अलग अलग होगा। तो अब ध्यान से देखना जरा, ध्यान से, आर अल्फा बाय आर प्रोटोन, काइनेटिक एनर्जी सेम है दोनों के लिए, खत्म। मैग्नेटिक फील्ड सेम, सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं, परपेंडिकुलरली दोनों एंटर कर रहे हैं, ये चीज तो आपकी तीनों खत्म हो गई है, टू भी खत्म हो गया। क्या बचा? मास ऑफ अल्फा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटोन इनटू, अब क्या बचा? चार्ज, चार्ज भी दोनों पे डिफरेंट है लेकिन चार्ज के रेसिप्रोकल में आ रहा है, तो चार्ज ऑफ प्रोटोन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये बात समझ आई मैंने इसमें से, ये कैसे लिखा है या खेल करके दिखाऊं, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो जरा पूछो। चलो खेल कर लो। चलो आर का फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू, आर का ही फॉर्मूला है, अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं किसके लिए, अल्फा के लिए। तो आर अल्फा इज इक्वल टू ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, मास ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ अल्फा, मैग्नेटिक फील्ड तो एक ही है दोनों के लिए, और साइन 90। यही फॉर्मूला मैंने लगा लिया आर किसके लिए, प्रोटोन के लिए। तो ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटोन, मास ऑफ प्रोटोन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ प्रोटोन उसी मैग्नेटिक फील्ड में, जो मैग्नेटिक फील्ड अल्फा के लिए बी, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोटोन के लिए बी, और दोनों ही परपेंडिकुलरली एंटर कर रहे हैं, तो साइन 90 हो गया दोनों के लिए। अब मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं, देखो आर अल्फा बाय आर प्रोटोन, तो जब हम इस पूरे को यहां डिवाइड करेंगे तो ये बी तो कैंसिल हो जाएगा, साइन 90 अपना 1 हो ही गया, क्या बचेगा, इधर से बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा मास ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ अल्फा, और यहां नीचे से बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटोन मास ऑफ प्रोटोन डिवाइडेड बाय व्हाट, चार्ज ऑफ प्रोटोन। कितना बना देखो, मैं इन दोनों को एक साथ ले लेता हूँ स्क्वायर रूट में, कितना होगा, टू से टू कैंसिल हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटोन इंटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल मास ऑफ प्रोटोन इंटू, ये ऊपर चले जाएगा, चार्ज ऑफ प्रोटोन इंटू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम दे रखी है, क्वेश्चन में कहा गया सेम काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की, काइनेटिक एनर्जी प्रोटोन की, दोनों की सेम है, तो यहां से दोनों की जो भी है सेम है, कट गई आपस में, क्या बच गया, ये बच गया स्क्वायर रूट मास ऑफ अल्फा पार्टिकल मास ऑफ प्रोटोन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटोन चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, जो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया था येरा। अब रख दीजिए, मास ऑफ प्रोटोन कितना होता है, 1 यूनिट, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है, 4 यूनिट, एएमयू में रख रहे हैं हम यहाँ। प्रोटोन पर चार्ज कितना होता है, प्रोटोन पर चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल, तो यहां से कैंसिल हो गया, 4/1 का स्क्वायर रूट हुआ 2, और अपॉन में भी 2 आया, तो कितना आंसर बचा इसका, 1। दोनों की रेडियस सेम हो जाएगी अगर दोनों सेम मोमेंटम से एंटर करते हैं, तो दोनों की सॉरी दोनों सेम काइनेटिक एनर्जी से एंटर करते हैं, तो आर अल्फा और आर प्रोटोन दोनों आपस में इक्वल होंगे 1:1। समझ आ गई इतनी बात या कोई कंफ्यूजन है?